Assalamu alaikum. In this video, I'm gonna teach you a string and its function using C++. String basically है क्या? String है collection of characters और string को use किया जाता है क्यों किया जाता है? To store values. तो जी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इसका जल्दी से लिख लिया सी प्लस प्लस का। अब हमने वर्क करना है स्ट्रिंग में, तो हम स्ट्रिंग की एक हैरे फाइल जो है उसे इंक्लूड कर लेंगे। और इसे इंक्लूड करने का फायदा ये होगा कि जब हमारा कंपाइलर हमारी वर्किंग देखेगा स्ट्रिंग की, मतलब हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे, तो जो हमारा कंपाइलर है हमारी वर्किंग जब देखेगा ना, तो उसे स्ट्रिंग से सारी, मतलब इस हैरे फाइल सारी स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और उसे पता चलता रहेगा कि हम कहाँ पर क्या काम करें, हम उससे क्या डिमांड करें। क्योंकि कंपाइलर को तो हमें नोटिफाई करना पड़ेगा ना कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं, वरना उसे क्या बता। तो ठीक है, अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स इसका ये है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप लिखो, ठीक है, और यहां पर लिख दो स्ट्रिंग का नेम, ठीक हो गया, और डबल कोटेशन मार्क में डाल दो उसकी वैल्यू और इसको टर्मिनेट कर दो सेमीकोलन से, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंटेक्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसे मैं कंट्रोल और बैक स्लैश एन दबा के डाल दूंगी कमेंट्स में, ठीक हो गया। अब हम मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो मैंने लिखा स्ट्रिंग टाइप और मैं नाम दे देती हूँ str1, ठीक है, और मैं इसमें वैल्यू दे दूंगी टाइपा, ठीक हो गया, और मैं इसे कर दूंगी सीट आउट str1 एंड L. देखो लाइबा डिस्प्ले हो गया, हमारी एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग के पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस, ठीक है। पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं जिसको है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है कि मेरे पास str1 नाम की एक स्ट्रिंग है, ठीक हो गया, एक और स्ट्रिंग मेरे पास मौजूद है str2 की, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू मौजूद है अराइव, लिख देते हैं नाम, बराबर अच्छा लगेगा। अच्छा ये मौजूद है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूं कि देखो अगर मैंने str1 को सी आउट किया तो लाइबा डिस्प्ले होगा, अगर str2 को डिस्प्ले सी आउट किया तो अराइव डिस्प्ले होगा। मैं चाह रही हूँ कि लाइबा अराइव इकट्ठा डिस्प्ले हो, उसके लिए मैं इसे कॉनकेटिनेट कर दूंगी, मैं इसे मिला के लिख दूंगी। मिला के लिखने का सिंपल तरीका ये है कि पहली वाली को उठाओ, तो आपने पहला ही डिफाइन किया हुआ है, इसको उठाओ, इसको इसमें ही रख दो str1, मतलब पहला वेरिएबल, पहली स्ट्रिंग जो थी आपकी, ठीक है, प्लस सेकंड स्ट्रिंग जो है आपकी, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, इनकी वैल्यू इसमें स्टोर हो गई, तो इसको करा दो सी आउट, तो करा दो सी आउट, क्या होता है लाइबा राइट इकट्ठा लिखा गया। ऊपर लाइबा इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पहले भी ये कहा था कि भाई ये पहली वाली स्ट्रिंग को सी आउट करो। अच्छा यहाँ पे मैं इसको डाल देती हूँ कमेंट में। अब देखो जरा, अब जब मैं इसे करी सिर्फ लाइबा एक डिस्प्ले होगा, मतलब कि जब हम कमेंट में डाल देते हैं किस चीज को तो कंपाइलर उसे जो है इग्नोर कर देता है, सिर्फ यूजर मतलब प्रोग्रामर जो प्रोग्राम कर रहा है उसकी आसानी के लिए कि मैं समझ सकूँ कि मैंने यहाँ पर कौन सा स्टेप किया था। तो मैंने इसको डाल दिया कमेंट में, इसको भी डाल दीजिए कमेंट में क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको डाल दिया कमेंट में, ठीक हो गया। अगला हम पढ़ते हैं फंक्शन जो कि है एक्सेसिंग अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर को एक्सेस करना, वो कैसे करेंगे। देखो ये str1 पहली वाली स्ट्रिंग को मैं लेती हूँ, ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ इसमें जो आई है ना मुझे इसे एक्सेस करना है। आप जरा गौर से देखना इस चीज को, आप समझ लो, आप इसको अरे को जरा अपने दिमाग में लाओ और इसको जरा समझो। देखो यहाँ पर इस पे इंडेक्स क्या होगा अरे के अकॉर्डिंग, ये इंडेक्स क्या होगा एल का 0, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 2, 3, 4, तो इसका इंडेक्स है 0 से 4 का। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे आई चाहिए, मुझे आई को एक्सेस करना है, आई का कौन सा इंडेक्स होगा 2 होगा, 0, 1, 2। अब देखो मैं इसको एक्सेस कैसे करती हूँ, मैं इसे एक्सेस करने के लिए सिंपली क्या करूंगी, मैं सी आउट करूंगी, अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखूंगी str1 है, जो कि str1 है, साथ में क्या करूंगी मैं ब्रैकेट लगाऊंगी
और मैं यहाँ पर लिख दूंगी वो इंडेक्स उस वैल्यू का जिसे मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ। इंडेक्स क्या है इसका? टू, इसका इंडेक्स है टू। तो यहाँ पर भाई एंड एल, तो किया रन, देखो क्या आएगा, आई, देखो आई आ गया, तो हमने एक्सेस कर लिया। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग में किसी भी करेक्टर को। अब नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि हमने लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ये वाली स्ट्रिंग है और भाई यहाँ तो मुझे पता है कि इसकी लेंथ क्या है, 5 लेंथ है, लेकिन इन केस मेरे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ मुझे मालूम करनी चाहिए, बहुत बड़ी है, बस टाइम नहीं कि मैं इसे काउंट करूँ। तो मैं क्या करूंगी, एक सिंपल सा मैं एक फंक्शन लगाऊंगी। फंक्शन क्या है, लिखा मैंने स्ट्रिंग का नेम डॉट साइज, ठीक हो गया, और इसी को मैं करा दूंगी सी आउट, टाइम बचाएंगे, इसी को कर दिया सी आउट एंड एल, क्या हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, str1, नेम सही से लिखना है, मेंशन करना है। देखो 5 डिस्प्ले हो गया कि इसकी लेंथ क्या है, 5 है। तो हमने लेंथ फाइंड करना भी सीख लिया, लेंथ वाला फंक्शन भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लियर। देखो अब मेरे पास ये स्ट्रिंग मौजूद है, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि मुझे इस स्ट्रिंग को यूज तो करना है, मुझे ये स्ट्रिंग मुझे चाहिए तो है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इसकी वैल्यू जो है वो नल चाहिए, क्लियर चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे इसकी वैल्यू क्लियर चाहिए, बाद में मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगी, जैसी जो इसकी वैल्यू है वो बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये अभी के लिए नल चाहिए। मैं क्या करूंगी, सिंपली क्लियर फंक्शन लगा दूंगी। वो कैसे लगाऊंगी, मैं लिखूंगी स्ट्रिंग का नाम डॉट क्लियर, इसी को मैं, अब इसको करो भाई सी आउट str1 क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब कि इसने फिलहाल के लिए str1 इस स्ट्रिंग की वैल्यू को क्लियर कर दिया, हमने क्लियर फंक्शन भी सीख लिया। हम नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर। अब मेरे पास एक ये स्ट्रिंग मौजूद है, ठीक है, और मेरे पास एक अगली स्ट्रिंग है str2, इसका नाम रखते हैं और इसमें वैल्यू डाल देते हैं अराइक, ठीक है, ये वैल्यू डाल दी मैंने। अब मैं चाह रही हूँ, मैंने पहले लिखी हुई थी, चला दोबारा लिख ली, इट्स ओके टू बी। अब मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों को, इसको और इसको मैं कंपेयर कर दूं। तो कंपेयर करने के लिए मैं सिंपल सी ट्रिक यूज करूंगी, फंक्शन यूज करूंगी। वो फंक्शन क्या है, मैं सिंपली करूंगी सी आउट, ठीक है, पहली स्ट्रिंग का नाम जिसे मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ, कंपेयर लिख के जिसके साथ मैंने कंपेयर करना है मैं उसको यहाँ लिख दूंगी, और मैं इसको सिंपली कर दूंगी सी आउट, रन करते हैं, इनका कंपेरिजन निकल गया 1 का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जो भी मतलब उसके कंप्यूटर के पास इनकी वैल्यूज है, उनके अकॉर्डिंग इसका कंपैरिजन निकल आया है 1 का, ठीक है, इसको डाला कमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्टी। एम्प्टी क्या है कि देखो मैंने एक स्ट्रिंग को क्लियर कर दिया है, अब मैं कंपाइलर से कहूँ भाई मैंने इसे कहा था क्लियर करने का, अब जरा चेक करो इसने क्लियर किया भी है कि नहीं। मैं इस फंक्शन को दोबारा यूज कर लेती हूँ, उसको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर देती हूँ, फिलहाल ग्रीन चाहिए तो डाल देती हूँ कमेंट में। अच्छा भी देखो मैंने इस फंक्शन को किया क्लियर, अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि आया के इसने इसको क्लियर किया भी है कि नहीं। उसके लिए फंक्शन को यूज करूंगी एम्प्टी, मुझे भरोसा नहीं है अभी अपने कंपाइलर पे, अभी तक तो उसने काम सही किया भी है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं यूज कर रही हूँ एम्प्टी फंक्शन। वो कैसे यूज करना है, मैंने लिखना है इफ, तो ये फंक्शन भी तो कंपाइलर ने ही परफॉर्म करना है, str.str1 मेरी स्ट्रिंग का नेम था एम्प्टी, हो गया। मैं कह रही हूँ कि चेक करो str1 ये स्ट्रिंग जो है ये एम्प्टी है, अगर है तो फिर सी आउट कर दो मुझे str1 is empty,
str1 is empty. इसने कहा str1 is empty. क्यों कहा? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया था. अब लेट्स सपोज मैंने इसे क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या डिस्प्ले होगा. कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस कंपाइलर को बताया ही नहीं है कि अगर मैंने इसको मतलब कि अगर वैल्यू क्लियर नहीं हुई तो फिर क्या डिस्प्ले करना है. अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि नॉट का साइन लगा दूं, इसका मतलब यह होगा कि अगर ये स्ट्रिंग जो है एम्प्टी नहीं है तो फिर डिस्प्ले कर दो इट इज नॉट एम्प्टी. अब देखते हैं क्या होता है. इट इज नॉट एम्प्टी, str1 इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियर फंक्शन लगाया नहीं है. ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया हमारा. अब अगले फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है इरेज फंक्शन. इरेज फंक्शन में होता क्या है कि हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एलिमेंट, स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो है वो इरेज हो जाए. जैसे कि बताती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये जो लिखा हुआ है नेम, इसमें ये ज्यादा आ गए हैं, मुझे ये चार ए जो आए हैं, ये तो चार ए आए हैं, मुझे ये चार ए नहीं चाहिए. ये वाले जो चार ए आए हैं, मुझे ये चार ए नहीं चाहिए, मैंने रिमूव करना चाह रही हूँ. मैं क्या करूंगी, सिंपली फाइंड करूंगी इंडेक्स इनका. ठीक है, काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 इंडेक्स में मौजूद है और ये कितनी वैल्यूज है, 4. मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे रिमूव कर दूँ, इसे इरेज कर दूँ. उसके लिए मैं यूज करूंगी इरेज फंक्शन. इरेज फंक्शन को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हम लिखते हैं पहले अपने फंक्शन का, अपनी स्ट्रिंग का नाम str1 है. ठीक है, साथ ही मैं यूज करूंगी इरेज फंक्शन, इसके अंदर वैल्यूज दूंगी. अब मैं पहले वो इंडेक्स लिखूंगी जिससे मेरी वैल्यू मौजूद है. मेरी वैल्यू किस इंडेक्स में मौजूद है, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 इंडेक्स में मेरी वैल्यू मौजूद है. मैं यहाँ लिख दूंगी 5, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि मुझे कितनी कैरेक्टर्स जो है वो मुझे डल करने हैं, मुझे इरेज करने हैं, रिमूव करने हैं. तो मैं लिख दूंगी 4, मुझे 4 ए रिमूव करने हैं. ठीक हो गया. अब मैं सी आउट करूंगी str1. देखते हैं क्या होता है. कम ऑन, देखो उसने बाकी ए जो है रिमूव कर दिया आउटपुट से और मेरा नाम बिल्कुल ठीक आ गया. इरेज फंक्शन की देख रहे हो वैल्यू, भाई अनचेक कर दो, नहीं चाहिए फिर से. चलो जी, ये फंक्शन भी देख लिया. अब है फाइंड फंक्शन, इसको कर दो भाई इरेज, अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा, फाइंड फंक्शन, फाइंड फंक्शन में क्या होता है कि मैं चाह रही हूँ एक स्पेसिफिक वैल्यू को का इंडेक्स में फाइंड करना चाह रही हूँ कि मेरी एक वैल्यू है, ठीक है, और वो वैल्यू कहाँ पड़ी मैं फाइंड करना चाह रही हूँ. देख जैसे कि मेरा नाम लिखा हुआ है लाइबा अराइक, मैं कह रही हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर लाइबा अराइक में नाम लिखा है, लेकिन मैं कह रही हूँ अराइक वाला पोर्शन फाइंड करो वो कहाँ पड़ा है. तो मैं सिंपली करूंगी क्या, मैं लिखूंगी अपना स्ट्रिंग का नाम, लगा दूंगी फाइंड फंक्शन और इसके अंदर लिख दूंगी जो मैं फाइंड करना चाह रही हूँ. अगर अपर केस है तो अपर केस में लिखोगे आप, इस चीज का ध्यान रखना है. और इसी को मैं करा दूंगी सी आउट. देखते हैं क्या होता है. इसने दिया एरर, गेस करो क्यों. अगर आपने गेस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मैंने डबल कोटेशन मार्क तो लगाए ही नहीं थे, और जब हम डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये एक स्ट्रिंग है. ठीक हो गया, अब इसको करो रन. देखो उसने बता दिया कि फिफ्थ इंडेक्स से पड़ी हुई है ये वैल्यू, यहाँ पर फिफ्थ इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है. ठीक है, तो हमने फाइंड करना भी सीख लिया कि कैसे फाइंड करते हैं. Character in putting in a string.
अच्छा उसके लिए क्या है कि मैं अब यहाँ पर लिख देती हूँ बी सी ए एफ ई बी, ठीक है, ए है ए बी सी डी ई एफ और जी, ये मैंने लिखा है, मतलब मैंने इसको अनसॉर्टेड फॉर्म में लिखा है, अरेंज फॉर्म में नहीं आई है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको सॉर्ट करूँ, उसके लिए मैं फर्स्टली क्या करूंगी, मैं एक लाइब्रेरी सॉरी हेडर फाइल इंक्लूड करूंगी जो कि है हैश इंक्लूड एल्गोरिदम। इसको इंक्लूड करने का फायदा ये होगा कि जो सॉर्ट सॉर्टिंग के लिए जो हम सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे ना, उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी इसमें, इससे काम वाले को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आप फंक्शन कैसे करूंगी, मैं लिखूंगी सॉर्ट और मैं इसके अंदर लिख दूंगी अपना स्ट्रिंग का नेम डॉट बिगन, बिगन का मतलब होगा कि बिगनिंग वैल्यू कॉमा स्ट्रिंग का नेम डॉट एंड, एंड का मतलब होगा एंडिंग वैल्यू, ठीक हो गया। अब मैं सी आउट कर दूंगी आर वन अपना जो मेरा नेम था स्ट्रिंग का एंड एल। देखो उसे सॉर्ट करके लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, तो ये था हमारा स्ट्रिंग और फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बात जो भी हमारी हुई है उसके आंसर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।